हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर पे सीखो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ नॉन। नॉन बनाने के लिए मैंने ले लिया है मैदा। ये हाफ के जी मैदा है, तो देखते हैं। हाफ के जी से मैं थोड़ा सा कम डालूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ दो बड़े और दो बच्चों के लिए ही नॉन बनाना है। तो इतना काफ़ी होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कम किया है, अराउंड 450 ग्राम है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए सॉल्ट। सॉल्ट आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट डलेगा, जैसे हम नॉर्मल डालते हैं। और उसके बाद हमें डालना है इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो ये देखिए, ये मैंने बेकिंग सोडा अराउंड 1/4 ऑफ द स्पून डाला है। और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, जो हम खाने में यूज करते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने अराउंड 1/4 ऑफ द स्पून डाल दिया है। और मैं मैदा को पूरा ही ले लेती, मुझे लग रहा थोड़ा सा क्वांटिटी कम ना पड़ जाए, तो इसका कुछ बना भी देंगे बाद में। कई बार अच्छा लगता है तो फिर कम ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इसके साथ ही अब हम इसमें मिलाएंगे शुगर। शुगर से क्या होता है ना, ईस्ट जल्दी मतलब थोड़ा सा फर्मेंट जल्दी हो जाता है, और थोड़ा सा मीठापन टेस्ट आने के लिए अच्छा लगता है। हाँ, इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, जैसे हम ऑयल वगैरह लगाते हैं बस उसी तरीके से। और साथ में हम डालेंगे कर्ड। कर्ड से जल्दी खमीर उठ जाता है, मतलब फर्मेंट हो जाता है। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सबको मिला दिया है। अब हम इसको दूध से मार देंगे। दूध से थोड़ा सा क्या है, सॉफ्ट बनेंगे हमारे जो नॉन बना रहे हैं वो थोड़ा सॉफ्ट बनेंगे। अब चाहें तो दूध और पानी भी मिला सकते हैं, ये अपनी हिंदी उर्दू सब चलते हैं। चलो ठीक है, जितना बाकी जरूरत होगा तो पानी मिलाएंगे, ठीक है। बस एक रेडी होना है बस। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आप जाके पास दूध पूरा दूध से भी मार सकते हैं। मैंने अराउंड 25 ml वाटर यूज कर लिया है। इसको हमें अच्छे से मिला देना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा मारते हैं ना, बस वैसे ही। लास्ट में हम थोड़ा सा ना इसमें तेल लगा देंगे, इससे और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मार दिया है। मैं हैंड वॉश करके इसमें तेल लगाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे ऐसे, और इसको ना ढक के रख देंगे अभी कम से कम 15-20 मिनट के लिए। आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए रख दें, और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और अनॉन में ही खाने में अच्छे लगेंगे। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ और फिर मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फर्मेंट हो चुका है। अब हमने इसकी एक लोई बना ली है, जैसे कि हम रोटी की बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा या बनाना चाहें तो बड़ा लोई बना लीजिए। फिर हम इसको बेल देंगे एक पूरे साइड से, जैसे कि हम जनरली रोटी बेलते हैं। सर्किल बनाना चाहें तो सर्किल, मैंने सर्किल ही बनाया है। अब हम इसमें थोड़े से कलौंजी डाल देंगे,
और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। ये कलौंजी से जो मैदा का आइटम होता है वो अच्छा रहता है डालने से, और धनिया पत्ती डेकोरेशन के लिए, और लुक भी अच्छा आएगा। ये लगा दिया है, फिर हम इसको थोड़ा सा पीछे से हमें पानी लगाना है पूरे उसमें। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। पानी लगाने से क्या होगा कि ये थोड़ा चिपका रहेगा, और जो नान का पीछे का जो लुक होता है उसी तरीके से आएगा। और इसके बाद फिर हम इसको तवे में डाल देंगे। तवे में डालने के बाद में आप चाहो तो इसको मटर बाद में लगा सकते हैं, जैसे मैंने घी लगाया हुआ है मटर की जगह पे, तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं या फिर घी लगा सकते हैं, तो आपका बटर नान तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से हमें इसको सेकना है फ्रेंड्स पीछे की साइड में। यदि बहुत जल्दी है आपको तो आप निकाल के भी सेक सकते हैं, वरना इसी तरीके से सेक लें, जिससे कि ये जो इसका कलर है बहुत ही अच्छा आता है, टेक्सचर अच्छा आता है, और अच्छे से सिक भी जाएगा। तो ये देखिए, बस इसको फ्लिप करके आपको सेक लेना है। पानी सफिशेंट लगाइए, जिससे कि ये फ्लिप होने के बाद में गिरे ना, कई बार गिर जाता है। तो ये देखिए, ये बटर नान बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं नान सेक कर इसको रिवर्स कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये गर्मा गर्म नान एकदम बन के तैयार हो गए। ऐसे बटर लगाएंगे मस्त, और इसको खाएंगे हम। आलू मटर की रस वाली सब्जी बनाई है ये देखिए, और इसके साथ बना है तुरई की सब्जी, और खीर भी बना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये नॉन बन के एकदम तैयार हो गया है और मस्त लग रहे हैं। मैंने इसमें बटर के जहाँ पे घी डाला हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिनर तैयार हो गया है। मैंने बनाया है बटर नॉन, आलू मटर की रस वाली सब्जी, तुरई की सब्जी, सैलड, अचार एंड सेमैया की खीर। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन पूरा हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा बना है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन, बाय बाय।